संघर्ष के बाद मैं जब ये आज का पूरा दिन, ये पूरा आंदोलन अपने अंजाम पर पहुंच रहा है, आज की लड़ाई आखिरी सिरे पर है, तब मैं दिल्ली विधानसभा का सेशन छोड़कर, उसका प्रेस काल छोड़कर मैं इस अदालत में, इस संसद में आया हूं, जो कि छात्रों की, अध्यापकों की और शिक्षा को सपना देखने वालों की अदालत है, उनकी संसद है। मेरे साथियों, बहुत जोरदार सलाम करते हुए, बहुत जोरदार क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए मैं अपने उस फर्ज को निभाने आया हूं। मैं अगर आज दिल्ली विधानसभा में विधायक हूं तो वो मैं आपकी आवाज बनकर वहां हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया के मेरे दोस्त नौजवान, मेरे दोस्त अध्यापक, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए आज मैं दिल्ली विधानसभा में हूँ। और मैं आप सबके सामने इस बहुत ही लड़ाकू इलाके की मिट्टी की खुशबू को साक्षी मानकर आपके साथ में कसम दोहराता हूँ कि हम जिंदा रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया और हिंदुस्तान भर की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करने वालों को खदेड़ खदेड़ कर जनता की अदालत में उनसे हिसाब मांगेंगे। हम हायर एजुकेशन को नष्ट करने के किसी भी साजिश के खिलाफ दीवार बनकर खड़े होंगे और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। बहुत मुख्तसर में दो तीन बातें आपसे कहूंगा। आज अगर हिंदुस्तान में इल्म की रोशनी है, तालीम की रोशनी है, अगर कहीं भी हमारा स्तर ऊंचा है तो हमारे इन बहादुर नौजवान दोस्तों, इन बहादुर नौजवानों को इल्म की रोशनी देने वाले, दोस्ताने तरीके से इल्म देने वाले अध्यापकों, प्रोफेसर और रिसर्चर की वजह से है। जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी की वजह से है। दोस्तों, इस कर्ज को हम बहुत जाबाज तरीके से याद रखेंगे और निभाएंगे। मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, एक लफ्ज ऑटोनॉमी हुआ करता है, अब वो डिक्शनरी में से कूद के, यमुना में कूद के उसने आत्महत्या कर ली है। अभी तक ऑटोनॉमी एक अर्थ का भरा हुआ शब्द होता था, अब ऑटोनॉमी एक मुर्दा का नाम है, क्योंकि यमुना में कूद चुका है। इनको सर मानी चाहिए, इन्होंने एक शब्द के कपड़े उतार लिए, उससे उसका अर्थ छीन लिया, अपनी साजिश को ऑटोनॉमी का नाम लेते हैं। ये जनता है, ये शिक्षित नौजवान है, ये सब जानती है। मैं आपको यहाँ से मैदान से, इस संसद मार्ग के उस थाने के करीब से, जिसके अंदर हमने बहुत रातें बिताई हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, कितना भी बड़ा हुक्मरान हो, जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, गाड़ियों के पीछे दौड़ता है, और जब जालिम हुक्मरानों की मौत आती है तो वो युवाओं के पीछे दौड़ता है, वो कॉलेज की तरफ दौड़ता है, वो लड़ाकू नौजवानों की तरफ दौड़ता है। मैं उस यूजीसी नोटिफिकेशन के खिलाफ अपने खून और पसीने के साथ लड़ाई करने के इस बुलंद इरादे के साथ आपके सामने आया हूँ। सैकड़ों वर्षों की लड़ाई है कि आज हमारे गांव से आए हुए नौजवान, हमारी छोटी छोटी दोस्त बहने, वो आज एक सपने देखती है कि वो लड़ेंगी, पढ़ेंगी और जीतेंगी और इंकलाबी थेवर के साथ पढ़ाने का काम करेंगी। ये जो यूजीसी नोटिफिकेशन का काम एक झटके में सावित्री बाई फुले के सपनों को, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को, लोहिया के सपनों को और हिंदुस्तान में हर लड़ाकू सरदार भगत सिंह की परंपरा के वारिसों को सपने का कुचल देने का सपना देखता है। ये अंधेरे में रहने वाले लोग, दिन में सपने वाले तो समझ ले, ये जितना कुचलेंगे सच और इंकलाब उतना बुलंद तरीके से आगे आएगा। और यूजीसी नोटिफिकेशन के नाम पर एससी एसटी ओबीसी फिजिकली चैलेंज और बच्चियों के सपनों को, नौजवानों के सपनों को जो कुचलने की कीमत होगी, वो हर चीज जीत नहीं पाएगी, वो हारेगी। पर दो लाइनें बहुत एक तरंग के साथ आजकल मुझे एक गीत मेरे होठों पर फड़फड़ाता है, मैं इतना गाता हूँ कि मेरी पत्नी ने, मेरी बेटी ने गाने से मना कर दिया है। यहाँ इंकलाबी नौजवान है, आपके सामने मैं गीत गुनगुना के अपनी बात पूरी कर देना चाहता हूँ। इजाजत है राजीव। सबसे पहले तो दिल में ख्याल ये आता है कि आज मुझसे पहली सी मोहब्बत न मांग, आज मोहब्बत की बातें होती नहीं है, इस देश के नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। तो जो गीत मेरी जुबान पर आता है वो आपको सुना देता हूँ। मेरे बड़े भाई हरीश खन्ना, जिनकी विरासत को संभाले हुए, जिनके हुक्म को तामील करते हुए तिमालपुर के विधायक के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, हमने डूटा से इनको उधार लिया, इसलिए डूटा का मेरे ऊपर कर्जा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टीचर्स बिरादरी का मेरे ऊपर कर्जा है, उसको याद करते हुए चंद लफ्ज आपके सामने। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर
दान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले। तो दोस्तों, इस पूरी हिंदुस्तान में इल्म की जो विरासत है, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और सैकड़ों यूनिवर्सिटीज ने जो हिंदुस्तान में रोशनी दी है, उसको हम अपने पसीना बहाकर बचाएंगे, जरूरत पड़ी तो खून बहाकर बचाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, दिल्ली विधानसभा देश भर के ही नहीं, जो दिल्ली में देश भर की उम्मीद आती है, उन सारे नौजवानों की, उस पूरी टीचर्स बिरादरी की, उस डूडा के सच्चे संघर्षों की, एक संघर्ष में साथ देने वाली विधानसभा के तौर पर काम करेगी। हम ये संकल्प पांच माह कर चुके हैं, हम हर रोज मेरे सिर पर आप काली पट्टी बंधी देख रहे हैं, जरूरत पड़ी तो काली पट्टी बांधेंगे, जरूरत पड़ी तो साफा बांधेंगे, जरूरत पड़ी तो कफन बांधेंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान नाम का जो एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान नाम की जो एक खूबसूरत पहचान है, जिसमें ये हर नौजवान के सपने को सच करने की एक जमीन के तौर पर है, उसको कुचलने नहीं देंगे। और दिल्ली विधानसभा इस संघर्ष में आपके साथ खड़ी है, सड़क के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, हम लड़ेंगे और जीतेंगे दोस्तों, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भीम दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद।